हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर मैं पी के श्रीवास्तव आप लोग यूट्यूब चैनल को सुस्वागत से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत धमाकेदार बवाल सेशन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का सेशन है मैथ पार्ट 43 यानी मैथ पार्ट 43 का टॉप 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पीके मौज मस्ती चैनल पर एक रोज़ मैथ और एक रोज़ रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग का टॉप 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं और मैथ का जो है टॉप 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों, आज जो है आज का सेशन है मैथ पार्ट 43 यानी 43 का टॉप 4 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। कप्तानों और सैनिक को मिलाकर कुल, यानी कप्तान और सैनिक का जो कप्तान होता है दोस्तों, तो टोटल सैनिक और कप्तान सबों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यानी एक समूह जो है कप्तान और सैनिक सब मिलकर जो है एक समूह बन के 1200 व्यक्ति है उसमें टोटल, ठीक है। और वो ट्रेन से कहीं जा रहा है, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर जा रहा है बॉर्डर पर, ठीक है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के एक कप्तान यानी 15 आदमी के बैच में किसी एक आदमी को जो है कप्तान बना दिया गया है, ठीक है, 15 आदमी के बैच है तो उसमें एक आदमी कप्तान बनेगा तो वो कितना होगा दोस्तों, टोटल मिलाकर 16 आदमी हो जाएगा। चलिए, तो उस समूह को कप्तानों की संख्या कितनी है, यानी उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है, किस में यह जो 1200 व्यक्ति है अगर 15 आदमी पे एक कप्तान दिया जाता है तो ये 1200 व्यक्ति में जो है कितना कप्तान होगा वो निकालना है आपको। देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैथ के क्वेश्चन के आप जो है अगर समझ लीजिएगा अच्छा से तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कितना 1200 व्यक्ति है यानी 15, ठीक है, कितना है दोस्तों 15, ठीक है। 15 व्यक्ति का एक समूह में कितना एक कप्तान होता है, एक कप्तान, ठीक है, बराबर टोटल कितना है दोस्तों, ये टोटल कितना होगा हो जाएगा, 15 व्यक्ति के समूह में एक कप्तान होता है तो 15 एक कितना होगा दोस्तों 16, ठीक है, बराबर कितना तो 1200 व्यक्ति, ठीक है, 1200 व्यक्ति। अब निकालेंगे इसको तो कितना कप्तान आएगा, तो इस 16 से 12 में भाग दे देंगे दोस्तों, तो 1600 अगर हम 1200 में भाग देंगे दोस्तों, चलिए भाग देते हैं, 16 सत्य कितना होता है दोस्तों 112, ठीक है, 16 सत्य कितना होता है दोस्तों 112, ठीक है, 120 में से 112 चला गया तो कितना बचा दोस्तों 8, और 8 पे ये 0 आ गया, कितना हुआ 80, तो 16 × 5 = 80, कितना आया दोस्तों 75। तो देखिए ऑप्शन नंबर 75 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 75 मेरा करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को पास जरूर से ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों आप ही बताइए कि ये क्वेश्चन जो है कितना लंबा चौड़ा घुरा फिरा के बड़ा कर दिया है, लेकिन एक ही ट्रिक में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, जो भी वीडियो मैं आप लोगों को समझ प्रोवाइड करवाता हूँ उसमें यही कहता हूँ, आप पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप जो है खुद अपने आप से सोल्व भी कर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है दोस्तों, 25 वर्ष है, कितना 25 वर्ष है। यदि अंपायर को भी शामिल कर लिया जाए, यानी अंपायर जो होता है ना जो डिसीजन देता है, जो चौका गया, जो छक्का गया, आउट हुआ, बाउंसर किया, वाइड दिया, ये सब को जो डिसीजन करता है, ठीक है, तो अंपायर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। यानी अंपायर को जो है उसमें अगर शामिल कर लेते हैं तो 2 वर्ष भी बढ़ जाता है। अंपायर की औसत आयु क्या होगी, यानी अंपायर की औसत आयु क्या होगी, ठीक है, तो ये निकालना। अब देखिए दोस्तों, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि जब 12 खिलाड़ी है, अगर ये एम्पायर को जो शामिल करेगा तो खिलाड़ी में भी वृद्धि होगा, पहले तो 12 का प्रक्रिया होगा 25 से, इसके बाद जो है
एक एम्पायर को भी जब शामिल कर लेगा तो कितना होगा दोस्तों, 13। 13 से जब 13 को प्रक्रिया होगा किससे, अब देखिए 25 वर्ष में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो कितना होगा, 27 से प्रक्रिया। अब आप दिनों को, इन दोनों का जो 12 और 13 का जो है अंतर कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों 12 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है दोस्तों, तो 12 × 25, ठीक है, 12 और 25 को गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 300 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 वर्ष की जो है वृद्धि बोल रहा है और एक एम्पायर को जो है खिलाड़ी में भी डिवाइड करना है, मतलब जोड़ना है, तो एम्पायर का जो अगर हम खिलाड़ी में जोड़ते तो कितना होगा दोस्तों, 13, ठीक है, 13 आएगा। 13 × कितना, अब 25 वर्ष में 2 वर्ष ये भी ऐड होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 वर्ष, कितना, 27 वर्ष हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपको 351, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिफरेंट कर लीजिए साधारण तरीका में, या फिर आप जो है इन 12 जो है खिलाड़ियों में से 13 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ियों का आप मैनेज कर लीजिए, बात तो वही होगा, लेकिन मेरा समझाने का तरीका अलग था। आप या तो फिर इधर से जो है अंतर कर लीजिए, या फिर आप इधर से अंतर कर लीजिए, आपको वही आएगा। तो कितना है दोस्तों, 351, 351 में से जो अगर दोस्तों 300 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 51। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पायर की जो औसत आयु होगी वो कितना वर्ष होगा, 51 वर्ष होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट आंसर जो है ये 20 सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चनों को प्रोवाइड करवाता हूं आप लोगों को समक्ष जो रेलवे ग्रुप डी NTPC ऑल एग्ज़ाम में जो है ना, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे दोस्तों तो उसमें रीजनिंग और मैथ पूछता है। इसके बाद तो करेंट अफेयर ये सब जो है वो सब भी पूछता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ 100% रहता है दोस्तों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए PK मौज मस्ती चैनल का, और हमसे जुड़ जाइए, आपको 0 लेवल से शिखर सम्मेलन तक पहुंचाना PK मौज मस्ती चैनल का सदस्य का काम है, और पहुंचना आपका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कि एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए कहा, ठीक है, यानी एक लड़का को उसका टीचर जो है 25 से गुना करने के लिए कहा, ठीक है, कहा जाता है, लेकिन वह संख्या को 52 से गुना कर देता है। देखिए दोस्तों, या तो वो लड़का सबसे पढ़ने में कमज़ोर होगा, या फिर जो है बहरा होगा, यानी सुनाई कम देता होगा। इसीलिए देखिए 25 के जगह पर इसने क्या लिख दिया दोस्तों, 52 लिख दिया, ठीक है। टीचर ने उसको बोला कि 25 से गुना करो, ठीक है, उसने कितना से गुना कर दिया, 52 से गुना कर दिया, कर देता है, ठीक है। उनका उत्तर सही उत्तर से, यानी जो 25 से गुना करने के लिए जिस संख्या से बोला था उसको, ठीक है, तो उसका जो उत्तर आता है, ठीक है, और 52 से जो गुना किया है और उसका जो उत्तर आ जाता है, डिफरेंट यानी अंतर जो कितना ज़्यादा आ रहा है, सॉरी योग कितना ज़्यादा आ रहा है, 354 ज़्यादा आ रहा है, तो गुना करने वाली संख्या, यानी गुना करने वाली संख्या आपको जो है बताना है। मान लीजिए कि टीचर जो है उसको 25 से गुना करने के लिए बोला, तो कितनी संख्या में, तो वही संख्या आपको निकालना कि कौन सी संख्या में 25 से हम गुना करेंगे, और वो लड़का कितने से, 52 से गुना कर दिया, तो वही संख्या आपको निकालना है कि कौन सी संख्या वो था जिसमें जो है टीचर जो है 25 से गुना करने के लिए कह रहा था, उसके स्थान पे मैंने 52 से गुना कर दिया, वो संख्या क्या थी, वही संख्या आपको निकालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं इतना आसान तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बस आप लोगों का भी फर्ज बनता है बस एक लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए दोस्तों क्या करा है कि एक लड़की किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए, ठीक है, 25 से गुना करने के लिए उसको कह रहा है, और उसके जगह पूछने क्या किया दोस्तों, 52 से गुना करते। दोस्तों आप ही बताइए कितना, मतलब ज़्यादा से गुना कर दिया, तो 52 में से जो है दोस्तों
52 में से जो है दोस्तों अगर हम 25 को जो है माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 27 आएगा। 27 यानी ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा जो है गुना कर दिया, 27 संख्या ज़्यादा लेकर उसने गुना कर दिया, 27 आ गया, ठीक है। लेकिन कितना ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, 354, कितना ज़्यादा, 324 ज़्यादा आ रहा है। तो 27 जो है, 27 इसमें आप भागा दे दीजिए वो संख्या आ जाएगा, ठीक है। 27 से चलो भागा देते, तो 27 ठीक है, कितना बचा, 5 पे गया कितना दोस्तों, 4, ठीक है। 5 पे गया 4 तो कितना हुआ, 54। तो 27 को 54 कितने बार में होगा, 2 बार में, तो 27 × 54 कितना आया दोस्तों, 12। वो संख्या क्या थी दोस्तों, 12। देखिए ऑप्शन नंबर 12 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 12 मेरा करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जो है ये 12 संख्या से 25 को गुना कर दीजिए, जितना होगा उतना आप अलग में लिख लीजिए, इसके बाद जो है इन 12 को 52 से गुना कर दीजिए, जितना होगा उनको आप अलग में लिख लीजिए, और जो भी होगा जो अलग में 25 और 12 को गुना किया था, ठीक है, उन संख्या को और 12 को 52 को जो गुना किया था, जो साइड में रखा था उन संख्या को, दोनों का अगर आप अंतर कर दीजिएगा ये आपको 354 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग, यानी वर्तमान में पति और पत्नी का योग 100 है, ठीक है, यानी पति और पत्नी का योग, पति और पत्नी का उम्र का योग कितना है दोस्तों, 100 बरस है, यानी दोनों को मिलाकर जो है 100 बरस हो जाता या हुआ है, ठीक है। 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था दोस्तों, 9:7 था, कितना था, 9:7 था। तो पति की उम्र क्या था, यानी पति का उम्र बोल रहा है, सबसे पहले आप ही बताइए दोस्तों, 10 बरस पहले बता रहा है, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले पत्नी का और 10 साल पहले पति का, तो कितना होगा, 10 इसका 10 उसका, तो कितना होगा, 20 बरस। 100 में से सीधे जो है ना आप 20 बरस माइनस कर दीजिए, 20 बरस माइनस कर देंगे तो कितना आया दोस्तों, 80 बरस, ठीक है। अब देखिए अनुपात है, तो अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अनुपात का योग बट्टा, सॉरी अनुपातिक बट्टा अनुपातिक का योग, अनुपातिक बट्टा अनुपातिक का योग फॉर्मूला होता है, तो अनुपातिक बट्टा अनुपातिक का कितना होगा, तो 9.7 है दोस्तों, तो 9.7 को जो है हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9:7 16, ठीक है, 9:7 16 रेशियो बराबर कितना, 80 रेशियो, यानी 16 रेशियो बराबर 80, तो 1 रेशियो बराबर निकाल लीजिए, तो 1 रेशियो बराबर कितना का, 16 का 16 16 5 80, 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 5। अब देखिए 9.7 बता रहा है, तो 9:7 बता रहा है, तो आप जो है 9 को 5 से गुना कर दीजिए, तो किसका उम्र आ जाएगा दोस्तों, पति का उम्र आ जाएगा, ठीक है। और 7 को जो है अगर 5 से गुना कर देंगे तो किसका योग उम्र आ जाएगा, पत्नी का उम्र आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो चलिए 9 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9×5 45, ये किसका उम्र आया, पति का उम्र आया। इसके बाद जो है 9 और 7 और 5 गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 35, ये किसका उम्र आया दोस्तों, पत्नी का उम्र आया। अब क्या कह रहा है देखिए, ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों कि पति की उम्र क्या है, तो 10 साल पहले की है, तो 10 साल बाद वाली क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 साल बाद वाली हो जाएगा दोस्तों, पति का उम्र में 10 साल ऐड कर दो, तो 45 में जो है दोस्तों अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 55 बरस। देखिए 55 बरस कौन सा ऑप्शन में है, तो 55 बरस मेरा करेक्ट आंसर जो है बी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर दोस्तों यहीं पर अगर पूछता जो
पत्नी का उम्र कितना होगा, तो पत्नी का उम्र कितना है दोस्तों, 35 वर्ष दिया हुआ है, तो 35 में 10 वर्ष जो है हम और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है पति का उम्र, तो 45 में जो है ना 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 55 वर्ष आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को माध्यम की ओर से अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का त्रुटि अगर देखते हैं, यानी गलत तरीके कुछ देखते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जरूर लिखिएगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, पी के मौज मस्ती चैनल पर जो है ना मॉर्निंग में जो है ना आपको 7 AM पर जो है ना दोस्तों आप लोगों को एक रोज़ मैथ और एक रोज़ रीडिंग का क्लास डेली प्रोवाइड में आप लोगों को कराता हूँ, तो चैनल से जुड़ जाइए। और आप ऑल इंडिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करें तो आपको रीजनिंग और मैथ अत्यंत ज़रूरी है, अगर इन दोनों अगर आपको बेसिक मजबूत रहेगा दोस्तों तो कोई भी एग्ज़ाम आप करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, पी के मौज मस्ती चैनल को सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल फिर मिलेंगे, ओके बाय।